नमस्कार दोस्तों, गदर 2 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर। 300 करोड़ का आंकड़ा पार। जी हां दोस्तों, सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 सिनेमा घरों में 11 अगस्त को रिलीज हुई। इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। गदर 2 ने पहले दिन 40 करोड़ की धुआंधार कमाई करके सबको हैरान कर दिया। इस फिल्म की कहानी से लेकर सनी देओल के ढांसू एक्शन ने दर्शकों को इम्प्रेस किया है। इसके अलावा सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी ने भी एक बार फिर सबका दिल जीत लिया, जिसका असर फिल्म की कमाई पर अच्छा खासा दिख रहा है। दोस्तों, सिनेमा घरों में गदर 2 को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म में सनी देओल के हर एक सीन पर दर्शक सीटियां बजाने पर मजबूर हुए हैं। इसी वजह से फिल्म लगातार हाउसफुल चल रही है। दोस्तों, इस फिल्म ने सिनेमा घरों में अपना एक हफ्ता पूरा कर लिया है। पहले हफ्ते के आखिरी दिन यानी गुरुवार को इस फिल्म ने 23.28 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की, जिसके साथ ही फिल्म के कमाई 284 करोड़ रुपए हो गई थी। वहीं अब आठवें दिन भी फिल्म ने जबरदस्त तरीके से कमाई की है। दोस्तों, इस फिल्म ने दूसरे शुक्रवार को 19.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके साथ ही फिल्म का टोटल कलेक्शन 304.13 करोड़ रुपये हो गया है। दोस्तों सनी देओल की गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की पठान को टक्कर दे रही है। इस फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF 2 को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म KGF 2 ने पहले हफ्ते में 268.63 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर पठान है, जिसकी पहले हफ्ते की कमाई 378.15 करोड़ रुपये है। हालांकि अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर पठान को पीछे छोड़ सकती है। पठान का लाइफ टाइम कलेक्शन 543.5 करोड़ रुपये हैं। अगर गदर 2 की कमाई ऐसे ही चलती रही तो जल्द ही ये फिल्म भी पठान के इस आंकड़े को पार कर लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।